दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। ज़ैन उठो, देखो ये कितनी खूबसूरत सुबह और हम कितने मनहूस लग रहे हैं। मैं इतना हैप्पी आज लग रहा हूँ कि तुमसे ज्यादा डार्क लिपस्टिक लगा बैठा। तुम्हें पता है तुम में सबसे अच्छी क्या बात है? क्या? यही कि तुम में कोई भी अच्छी बात नहीं। तुम ना मुझे रबेल से कंपेयर मत किया करो। और मेरे तो प्यो दे भी तोबा जो हुण खूबसूरत कहता थे, एडी नैश तू कुड़ी पल्ले पई है। तो भैया ज़ैन को पहले ही दिन शादी करके यहाँ पर हो गया एहसास कि उसकी पहली बीवी एक्चुअली भी थी सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी और थी वो दिल की अच्छी भी। इस चीज़ का एहसास अब उसको आने वाली अगली तमाम एपिसोड में होगा और हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपने पढ़ा थंबनेल के ऊपर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आप ड्रामा देखते हो सिर्फ स्टोरी को इंजॉय करने के लिए, लेकिन जो स्टोरी आज मैं आपको बताऊँगा इस रिव्यू के अंदर उसको आप लोग ज़्यादा इंजॉय करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि स्टोरी नॉवल से काफ़ी डिफरेंट है, तो अगर डिफरेंट होगी तो मेरे ख्याल से जो स्टोरी आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ वैसा ही अगर आपको दिखाया जाएगा तो ड्रामे का मजा दुबाला हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, रुमाल राजा बात करेंगे कुछ चांद रख की एपिसोड 19 के बारे में। बताऊंगा इस एपिसोड में कौन सी थी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव, साथ आपको ये बता चलूं एपिसोड 20 का जो टीजर भी लॉन्च हो चुका है उसके में करेंगे थोड़ा सा रिव्यू। भैया आज की वीडियो पे जो लाइक टारगेट है वो है यहां पे हमेशा की तरह 3000, तो जल्दी से कर दें इस टारगेट को अचीव। और यहां पर नए लोगों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि यहां पर कितने इंटरेस्टिंग रिव्यूज होते हैं। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भैया कोई चांद रख की अब तक की जितनी एपिसोड आई है मेरे ख्याल से अब तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टीजर आपने देखा। जिस टीजर को देखने के बाद मेरी तो अपने दिमाग की फिरकी यहां पर घूम गई। स्टोरी काफी ज्यादा होगी रिवाइज और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टोरी आगे से आपको काफी डिफरेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो ज़ैन को अब ग्रेजुअली इस बात का एहसास होगा कि यहां पर तलाक वो देना चाहता नहीं है, लेकिन फोर्स किया जाएगा बार बार निशाल की तरफ से। निशाल अब उसको कहेगी कि तुम उसको तलाक दो तलाक दो तलाक दो, लेकिन ज़ैन को निशाल का यह बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और से लगना शुरू हो गया। और सबसे मजे की बात यह है कि यहां पर जब आपकी अपनी कीवी आपके अपने मुंह पे आके लगती है तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यहां पर निशाल का जो बिहेवियर दिखाया गया ज़ैन की मां के साथ, वो बिहेवियर देख के मुझे तो इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, मतलब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को मजा आया वो सीन देखने का जहां पर निशाल जो टका के खरी खरी सुनाती है ज़ैन की मां को, बड़े एपिसोड के स्टार्ट में यह कह रही होती है निशाल को दुहाइयां दे के, पता नहीं उन्होंने जो किया वो अच्छा किया भी या नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम्हें अब हर एपिसोड में इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। निशाल जब जब देखेगी यहां पर ज़ैन की मां जो है वो ज़ैन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तुम अभी उसे तलाक ना दो, तो बदले में उसको यही समझेगी कि मैं ये चाहती हूं कि क्योंकि हमारे खानदान में यहां पर इतनी औलाद नहीं है तो मैं ये चाहती हूं कि एटलीस्ट उसकी डिलीवरी हो जाए और उसके बाद इसको आराम से तलाक दे दे। लेकिन दिल से वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि रबेल को दे दीजिए तलाक, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उसने देख लिया अपने ही आंखों से कि जो दूसरी बेगम है भैया वो तो घर को खा जाएगी। यहां पर जो खास तौर पर उसने स्टेटमेंट पास की कि अब ज़ैन के ऊपर, इस घर के ऊपर मेरी हुक्मरानी चलेगी, तो डेफिनेटली कोई भी मां ये तो बर्दाश्त नहीं करेगी। ज़ैन निशाल के बिहेवियर से तंग आके अपनी मां से करेगा डिस्कस के यहां पर वो देना चाहता है तलाक ताकि ये मामला एकदम से खत्म हो जाए। लेकिन ज़ैन की मां आगे से उसको ये कहेगी कि तुम ऐसा करो कि उसको तलाक ना दो, इस बीवी को भी अपने साथ रखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दो दो बीवियां रखते हैं, तो यहां पर तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम भी ना दो रबेल को तलाक और ऐसे में इस बीवी को भी अपने साथ रखो। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि निशाल कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहां पर बर्दाश्त का मादा तो मेरे ख्याल से रबेल के अंदर भी नहीं रहा। जिस तरीके से रबेल ने खुद अपने मुंह से बोल के कहा कि यहां पर मुझे चाहिए तुमसे तलाक, और खास तौर पे आप अगली एपिसोड में ये देखोगे निशाल का बाप जब आएगा यहां पर ज़ैन के घर में, वो लेने आएगा बेसिकली रबेल को, और साथ में होगा मेरे ख्याल से उमैर भी। उमैर के घर जब रबेल जाने लगेगी तो यहां पर ज़ैन को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, वो जोर से खींचेगा रबेल को, जिसके ऊपर रबेल का काफी सख्त रिएक्शन होगा कि तुम मुझे तो अभी इसी टाइम पर तलाक, तुम्हें कोई भी हक नहीं है मुझ पर, मतलब ठीक है ना, तुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है निशाल कोजी के अंदर, अब रह उसके साथ यहां पर गुजार अपनी जिंदगी, अब तुझे क्या तकलीफ हो रही है, अब तेरे दिल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो तुझे जीने नहीं दे रही। कहते हैं कभी कभी उड़ती चिड़ियों को देख के इंसान के हाथ में जो अपनी खूबसूरत चिड़ी होती है,
इंसान उसकी कदर छोड़ देता है और यहां पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैन के साथ। उसको अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी ये बात कि उसकी पहली बीवी रबेल किसी भी तरह से उमैर के साथ उसके घर जाए और ये चीज उसको काफी तकलीफ देगी। रबेल लड़के और यहां पर देख के तलाक की धमकी उमैर के घर चली तो जाएगी लेकिन पीछे से सुकून नहीं आएगा जैन को। होगा क्या कि वो बार बार सोचेगा उसके बारे और रही सही कसर बार बार निशाल पूरी कर देगी। जैन की माँ उसको समझाएगी कि तुम्हारी वो बीवी है, तुम्हें रखना चाहिए उसका ख्याल, यहां पर है भी है वो प्रेग्नेंट, तो तुम उसे प्लीज घर के अंदर वापस लेके आओ। और वहां पर फिर आपको वो सीन देखने को मिलेगा जहां पर जैन जाएगा रबेल को लेने के लिए, उससे रिक्वेस्ट करेगा तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। वो आगे से ये कहेगी कि मुझे लगता है कि अब हमारे रास्ते जो है वो अलग हो गए, अब हमारे जुदा है रास्ते, तुम अब प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहां पर दे दो मुझे तलाक। निशाल के बुरे बिहेवियर से तंग आकर यहां पर उसको हो सकता है कि खुश करने के लिए ले जाओ उसे शहर से बाहर, हो सकता है कि इसका ज़ेहन थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन बार बार जब उसको एक ही चीज निशाल की तरफ से सुनने को मिलेगी तो डेफिनेटली उसे फिर एहसास ज्यादा होगा इस बात का कि उसे एक्चुअली रबेल को बिल्कुल भी तलाक नहीं देनी चाहिए। वक्त गुजरता जाएगा और फिर फाइनली होगा क्या है, यहां पर रबेल की हो जाएगी औलाद और उसका जो भी बच्चा या बच्ची होगी उसके बारे में सुनकर ज़ेहन की मां काफी उछलेगी, काफी खुश होगी, जाएगी रबेल के पास, उसकी मिन्नत करेगी और हो सकता है कि वहां पर उमैर के कंसेंट पे वापस ही अपने घर आ जाए। और वापस ये ज़ेहन के घर शायद इसी कंडीशन में है कि इसे पता होगा इस बात का कि वहां पर ज़ेहन और अब निशाल नहीं रहते, वहां पर ये रहेगी अकेली, तो मेरे ख्याल से शायद इस वजह से वहां पर रबेल वापस आ जाए। लेकिन जब ज़ेहन को इस बात का पता चलेगा कि उसकी हुई है औलाद तो वो अपनी औलाद को देखने के लिए हो सकता है कि रबेल के पास आए और निशाल को यह बात बिल्कुल भी ना भाए। ज़ेहन रबेल के पास आएगा, उसकी खिदमत करने की कोशिश करेगा। यहां पर फिर आपने वो सीन भी देखे होंगे मेरे ख्याल से ओएसटी के अंदर जहां पर वो रबेल का हाथ पकड़ के उसको सीढ़ियों से उतार रहा है या उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर फिर अगेन रबेल उसको ये कहेगी कि तुम प्लीज जाओ निशाल के पास और उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारो। वहां पर फिर हो सकता है कि ज़ेहन उसको ये कहे कि भैया ऐसे में मैं तुम्हें अपनी बीवी दिल से आज एक्सेप्ट करता हूं और तुम ही मेरी एक्चुअल बीवी हो, मैंने निशाल के साथ शादी करके की बहुत बड़ी गलती, हो सके तो मुझे कर दो माफ, अब चूंकि वो भी मेरी बीवी है तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको सेपरेट घर में एक जगह पर रखूं, लेकिन तुम भी प्लीज मेरी बीवी बनके मेरा साथ दो। और आपको क्या लगता है कि रबेल इतनी तकलीफ सहने के बाद क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो होगा फिर कुछ इस तरीके से, मतलब मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ड्रामे को अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए, नॉवल से काफी डिफरेंट करने के लिए यहां पर हो सकता है और ऐसा करना भी चाहिए कि निशाल जब आए ज़ेहन के पीछे पीछे यहां पर रबेल के साथ करे बुरा बिहेवियर तो रबेल के सामने ज़ेहन निशाल को तलाक देकर उसको घर वापस भेज दे। निशाल को जब वो तलाक देकर घर वापस भेजेगा तो हम ड्रामे से काफी बड़ा लेसन निकाल सकते हैं कि हां जो इंसान किसी के लिए गड़ा खोदने की कोशिश करता है खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ इस तरह से दिखाया जाता है तो ड्रामे का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पर आपको स्टोरी को देखने का काफी मजा आएगा। हम ड्रामा क्यों देखते हैं? स्टोरी को एंजॉय करने के लिए। और जो आज स्टोरी मैंने आपको सुनाई इसको भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लीजिएगा, हो सकता है कि आगे से काफी सीन आपको कुछ इस तरह के देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे के अंदर फन बढ़ाने के लिए और यहां पर ट्विस्ट का बड़ा मजा लेने के लिए अगर आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए कि यहां पर ज़ेहन जो है वो रबेल को तलाक देने के बजाय दे दे एंड पे तलाक वो भी निशाल को, तो ड्रामे का इंटरेस्ट दुबाला हो जाएगा। आज के एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी, यहां पर ओवरऑल एपिसोड ने बिल्कुल भी बोर नहीं किया, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर डॉक्टर अदीला की शक्ल में, अब जो डॉक्टर अदीला मेरे ख्याल से जितनी ये दिखने में खूबसूरत लगती है इनकी एक्टिंग उतनी पैथेटिक है। अगर आपको भी ऐसा लगा हो तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे सुबी का कैरेक्टर बड़ा मजे का लगता था और यहां पर लड़की मुझे दिल से काफी प्यारी लगती थी। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि मैंने इसकी रिव्यू के दौरान काफी तारीफें की हैं, लेकिन आज जिस टाइम ये कह रही होती है कि मामा एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हकीकत तो यही है कि निशाल ज्यादा प्यारी है वो भी रबेल से, तो मेरा दिल करता है कि इसकी तो जाके गिची में रोड दूं। ड्रामे में बहुत सारी जगहों पे आपको निशाल के बाप को ये कहते हुए दिखाया गया है कि भैया तुमने किसी का घर उजाड़ के अपना घर सवारा तो दैट मींस कि तुम्हारा घर कभी भी सही नहीं रहेगा, तुम्हें वो सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो तुम किसी के लिए सोच रही हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट को भी ज़हन में रखा जाए तो मेरे ख्याल से जो कोई चांद रख ड्रामे की स्टोरी आज मैंने आप लोगों को बताई है अगर कुछ वैसा दिखाया जाएगा तो ड्रामे का इंटरेस्ट काफी ज्यादा डबल हो जाएगा। ज़ेहन की मां का कैरेक्टर जो बड़ा नेगेटिव दिखाया जा रहा था अब तक रबेल के लिए, अब यहां पर जब इसको पॉजिटिव होते हुए दिखाया जाएगा रबेल के लिए तो जितने भी सीन आगे से आपको दिखाए जाएंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से मैंने तो आज का ये सीन सबसे ज्यादा एंजॉय किया जहां पर निशाल ने खरी खरी सुनाई वो भी ज़ेहन की मां को। इस सीन को मैं एक नहीं बल्कि दो दो जगह पे करूंगा थम्स अप, क्योंकि इस तरह के सीन आपका ड्रामे में इंटरेस्ट डबल कर देते हैं और आपको ये रियल लाइफ में एग्जांपल के तौर पे समझना चाहिए कि जिस शख्स के साथ आप इतना बुरा बिहेवियर अपनाते हो आपको एटलीस्ट थोड़ी सी जरूर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो आपकी जिंदगी से चला जाए तो उसके बाद जो दूसरा आने वाला शख्स होगा ये जरूरी नहीं है कि वो उससे बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।
स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो कोई चांद रख ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने का बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।